से तेरा। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी पीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह पानी लेने जा रही थी तो प्रभु के दास ने बोला, अपने हाथ में एक रोटी भी मेरे लिए ले आना। क्या बोला प्रभु के दास ने क्या बोला, तू पानी लेने जा रही है, आते हुए मेरे लिए एक रोटी भी ले आना। अब वो क्या कह रही है, सुनो, वो कह रही है, हे प्रभु के दास, तेरे परमेश्वर की कसम, मेरे घर में एक रोटी का आटा और थोड़ा सा मैदा है और अकाल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? पैसे देकर भी कहीं खाना नहीं मिल रहा और मेरे घर में कितना आटा है, एक रोटी का और थोड़ा सा तेल है। अगर मैं वो भी तुझे दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी। उसने बोला, मैं तो वो लकड़ी बीन रही हूं, घर जाके चूल्हा जलाऊंगी, रोटी पकाऊंगी, मैं खाऊंगी, मेरे बेटे को खिलाऊंगी, और फिर कोई खाने को है नहीं तो हम क्या होंगे, कल को मर जाएंगे। क्या कह रही है वो, हे प्रभु के दास, हम उस रोटी को खा के कल मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास इसके ज्यादा कुछ नहीं है। अब बता, मैं खाऊं या तुझे दे दूं। प्रभु के दास ने क्या कहा, दास ने कहा तू एक काम कर, बाद में मरने का प्लान कर लियो, पहले तो वो रोटी मुझे दे दे। हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या करियो, जो तू चाहती है वो कर लियो, मर जाइयो, मुझे कोई फर्क क्यों, क्योंकि मुझसे तो वो कहा जा रहा है, मैं वही तुझे कह रहा हूं। जो मुझसे कहा जा रहा है मैं तुझसे, आज मैं घर में बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा, मैं कह प्रभु क्या मैं गलत करता हूं लोगों को सही शिक्षा देकर। प्रभु ने बोला, अपनी बुद्धि मत लगा, जो हो रहा है होने दे, तू सच बता रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, उन्होंने यिर्मयाह के लिए क्या सोचा, यशायाह के लिए क्या सोचा, सोच, लोगों की परवाह मत कर, वो बता जो सच है। मैं उठकर फिर यहां आ गया। सुनो, प्रभु का दास क्या कह रहा है, तू एक रोटी भी मत खा, किसको दे दे, मुझे। आज हम चर्च के लोगों को बोलते हैं, दसवांश दे दो, पहली कमाई दे दो, बीज बो दो। पता क्या बोलते हैं घर जाके, जब देखो जब मांगते रहते हैं, हमारे पास तो खाने को है ही नहीं। अरे खाने को नहीं है, इसी परिस्थिति को तो प्रभु बदलना चाहता है, तभी तो जो है वो मांग रहा है। अब्राहम ने एक बेटा दिया, आज लाखों करोड़ों उसके बेटे हैं। हालेलुया। और जब इस बेटी ने वो आटा दिया, सारपत की विधवा ने, ना तो उसका पति था कमाने के लिए, ना उसके साथ कोई था कहीं जाने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, वो लाचार थी, परेशान थी, और सबसे बड़ी बात उसके घर में आटा और तेल भी नहीं था, फिर भी उसने क्या किया, प्रभु के दास की बात मानी। क्या बात मानी, उसने वो आटा उसको रोटी बनाकर दे दिया और उसने क्या बोला, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी ले आ, फिर इसके बाद अपने हिसाब से जो करना है वो कर लियो। और बाइबल बताती है जब उसने ऐसा किया तो वो पूरा अकाल तक, कब तक, उसका ना तो आटा खत्म हुआ और ना वो मैदा खत्म हुआ, ना वो तेल खत्म हुआ। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। लेकिन अगर वो प्रभु के दास को नहीं देती तो क्या वो आशीर्वाद देता, अगर वो आशीर्वाद नहीं देता तो क्या वो एक रोटी का मैदा 2 साल चलता, नहीं चलता, वो नहीं चल रहा था। इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला, मुझे इसको चलाना है, अब चलाऊं कैसे, पहले तू मुझे दे ताकि मैं इसको तेरे लिए बढ़ाकर दे दूं। कितनों को समझ में आ रहा है, प्रभु पूरी बाइबल पढ़ लो, बाइबल में जब जब प्रभु ने आशीष दी तो पहले लिया फिर दिया। एक जगह पे यीशु मसीह ने बोला,
तुम्हारे पास खाने को क्या है, 5,000 लोगों को कुछ खाने को दो। किसने बोला था? यीशु ने बोला, यीशु ने बोला तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो मुझे दे दो। कितने लोग बैठे होंगे आप जैसे ओवर स्मार्ट, जो ऐसे बोल देंगे ले जब देखो जब, मांगता रहता है, क्या करता रहता है, यही तो बोलते हैं ना लोग, पापा जी मांगते रहते हैं, ऐसे हिलाला के सर, कैसे, जब देखो जब, पापा जी मांगते रहते हैं। यीशु मसीह भी क्या कर रहा था? क्यों भाई, उसको नहीं पता कि सब भूखे हैं, कहां से आएंगे रोटी? और वो परमेश्वर जिसने मन्ना बरसाकर 7,00,000 लोगों को खिला दिया, तो क्या वो 5,000 लोगों को नहीं खिला सकता था? फिर भी उसने नहीं खिलाया, उसने क्या कहा, पहले तुम मुझे कुछ दो। तब एक लड़के ने दिया तो प्रभु ने क्या करा, मल्टीप्लाई करके वापस कर दिया, क्या करके, वो एक बच्चे की जी हुई रोटी से 5,000 लोगों को खिलाने लायक परमेश्वर ने कर दी। आज अगर तुम में से कोई जन प्रभु की बात सुनकर और ड्रामे करता है तो कहीं ना कहीं अपनी ही आशीष को रोक देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चर्च को जरूरत थी पिछले हफ्ते रेंट देने की, बड़े लोगों को स्पेशली मुंह में खड़े होकर बोला, बहन आप रेंट दे दीजिए प्लीज, चर्च को रेंट देना है प्लीज, 12 तारीख की मीटिंग है। हाँ अभी दे रही हूं, अभी बस पहुंच गया आपके अकाउंट में, आज तक भी नहीं आया। आपको लगता है आप आशीषित हो? आपको लगता है प्रभु खुश है? अरे प्रभु तो आपको चेक कर रहा था, रेंट तो हमने तब भी दे दिया, आपका क्या रोल था, आपने क्या निभाया, क्या आप खड़े हो,